हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाला क्वेश्चन टाइप जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे आसाम फॉरेस्ट एग्जाम, आसाम इरीगेशन एग्जाम, आसाम पुलिस एग्जाम, आसाम फॉरेस्ट एग्जाम के, और आसाम के जितने भी एग्जाम हैं बाकी वो अदर एग्जाम जैसे है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, अगर टेक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या बताए, मतलब अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हमें उसे नेगेटिव बनाना, अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बनाना, वही है। तो क्या है, आई एम ए गुड बॉय, तो क्या होगा, इजेंट आई। ओके, मतलब इजेंट आई क्यों होगा, क्योंकि एमेंट आई नहीं होता इसलिए इजेंट आई लिखते हैं। ओके, और अब आपको एंड में क्वेश्चन मार्क करना होगा। ओके, और परीक्षा में तो भाई एमसीक्यू आता है, आपको एमसीक्यू मानना है, लेकिन ये कंसेप्ट के लिए बताओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, तो ये पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव बना दिए इसे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ही वॉज ए बैड बॉय, और बैड अपने आप में एक नेगेटिव है ना, तो इसे पॉजिटिव बनाना होगा। ओके, तो क्या होगा, वजी, क्या वो, मतलब वही है हिंदी में। ओके, तो ये होगा वाज ही। ओके, ही वाज ए बैड बॉय, वाज ही क्वेश्चन मार्क। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वाज राइटिंग ए लेटर। ओके, आई वाज राइटिंग ए लेटर, वजेंट आई। ओके, ये होगा वजेंट आई। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव था हमें नेगेटिव बनाना होगा, और वर्ब जो भी है ना उसका वो होगा। ओके, अगर कुछ ना हुआ तो आपका हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं हुआ तो आप वर्ब से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर मदर इज़ अ डॉक्टर, तो क्या होगा, योर मदर इज़ अ डॉक्टर, इजेंट शी। ओके, ये होगा इजेंट शी। ओके, यहाँ पे इज़ है और मदर एक मतलब मदर एक औरत है ना, तो शी होगा। ओके, ओके, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो मैदान मतलब प्ले ग्राउंड पर खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, तो सो दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इजेंट ही। ओके, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, इजेंट ही क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना होगा। ओके, वही कंसेप्ट चलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर वॉकिंग इन द इवनिंग, दे ऑल मीन्स वो मतलब वो के वो दे शाम के वक्त वॉकिंग करते हैं। ओके, मतलब चलते हैं। ओके, दे आर, तो ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना होगा, तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, आरेंट दे होगा। ओके, और आपके पास अगर कोई ग्रामर का बुक है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज क्लोज द डोर, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है ना, तो क्लियर होगा, क्या होगा, प्लीज क्लोज द डोर, विल यू, क्या होगा ये, विल यू। ओके, एक पॉजिटिव था और आपके ने, ओके, तो क्या होगा, विल यू। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डिड नॉट अराइव इन टाइम, इसके तो ये तो अपने आप में एक नेगेटिव है ना, मतलब सॉरी, ये तो भाई ये तो खुद में नेगेटिव है ना, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव क्या होगा, डिड शी। ओके, और आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि इसकी पार्ट टू आपको मिल जाए। ओके, मतलब नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, और साइड में जो बेल आइकन है उसको आपने प्रेस कर लिया। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और पार्ट टू जल्दी आएगा, उसके लिए चिंता मत करना। ओके,